आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन पूछा है, रेफर टू द गिवन क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ प्लांट एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग पी, क्यू एंड आर। तो यहाँ पे ये जो क्रॉस सेक्शन है वो प्लांट सेल का है, सॉरी प्लांट टिश्यू का है, और यहाँ पे पी, क्यू और आर हमें ढूंढने हैं। तो पी है यहाँ पे झाइलम, हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। क्यू जो है वो है फ्लोएम, और आर जो है वो है ग्राउंड टिश्यू यानी क्लेरेनकाइमा। अब प्लांट टिश्यू की ये डायग्राम है, और प्लांट टिश्यू में भी वैस्कुलर बंडल की ये डायग्राम है। तो बढ़ते हैं ऑप्शन की ओर। ये है चार ऑप्शन, हमें सही ऑप्शन ढूंढना है। पी एंड आर आर नॉन लिविंग सेल्स डिवाइड ऑफ लिविंग प्रोटोप्लास्ट एट मैच्योरिटी। बात करेंगे पी की, तो पी में जो प्रेजेंट है झाइलम एलिमेंट्स, इनमें से ट्रकेट्स, वेसल्स एंड झाइलम फाइबर्स, ये ऑल होते हैं नॉन लिविंग। बात करेंगे ग्राउंड टिश्यू आर की, तो स्क्लेरेनकाइमा, इनमें लिग्निन का डिपोजिशन होता है इसके सेल वॉल में। लिग्निन का डिपोजिशन सेल वॉल में होने की वजह से ये भी होते हैं डिवाइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म, और ये भी होते हैं डेड। तो ए स्टेटमेंट सही है। पी इज प्रेजेंट इन ऑल वैस्कुलर प्लांट whereas Q is a confined to the angiosperms only. तो P यानी कि xylem सभी plants में present होता है vascular plant में, लेकिन Q ये सिर्फ और सिर्फ angiosperm में present होता है, तो ये wrong statement है। क्योंकि देखिए xylem ये करेगा conduction of mineral and water, phloem की अगर हम बात करते हैं तो ये फूड मटेरियल का कंडक्शन करेगा, और ये दोनों भी कंपलसरी है, फिर वो एंजियोस्पर्म हो जिम्नोस्पर्म हो टेरिडोफाइट, इन तीनों भी वैस्कुलर प्लांट्स में ये प्रेजेंट होगा एंजियोस्पर्म्स। तो इन्होंने सिर्फ एंजियोस्पर्म दिया है फ्लोएम के लिए, तो ये गलत हो गया। बोथ पी एंड क्यू टेक पार्ट इन कंडक्शन ऑफ वाटर, तो ये गलत हो गया। पी कंडक्शन ऑफ क्या करता है, पी यानी झाइलम मिनरल और वाटर, एंड फ्लोएम फूड का कंडक्शन करता है ना कि वाटर का। तो नेक्स्ट दिया है पी पजेसेस परफोरेशंस वेयर क्यू इज अ इम्परफोरेटेड सेल्स, ये आधा स्टेटमेंट सही है, क्योंकि पी में झाइलम है और ये जो है पी पजेसेस परफोरेशंस क्योंकि इनमें होते हैं सी यू सेल्स। तो सीयू सेल्स परफोरेशन तक सही है, लेकिन सीयू सेल्स प्रेजेंट होते हैं फ्लोएम में, लेकिन इन्होंने पी सेल सीयू सेल्स पी में दिया है, और पी का मतलब है झाइलम। तो फ्लोएम में प्रेजेंट होते हैं परफोरेशन यानी कि सीयू सेल्स, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। सीयू सेल्स तो प्रेजेंट होते हैं लेकिन पी में नहीं होते, और क्यू ये परफोरेटेड होते हैं क्योंकि क्यू है फ्लोएम। तो यहाँ पे देखिए हम एलिमेंट की अगर बात करेंगे तो फ्लोएम में सीयू सेल्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये होते हैं परफोरेटेड, लेकिन इन्होंने ये स्टेटमेंट उल्टा दिया है, झाइलम में परफोरेशंस दिए हैं और फ्लोएम में परफोरेशंस नहीं बोला है, तो ये गलत हो गया। नन ऑफ दीज, तो ये भी गलत हो गया। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर वन। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।